2023 के लिए ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो आपके 29 तारीख को जो पेपर होने वाला है 29 मार्च को उसके लिए पेपर है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको जो प्रश्नों का प्रकार का पता चलेगा कि पैटर्न आपके किस प्रकार का आने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। पेपर आपके 80 नंबर का होगा। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके 80 में से काफ़ी अच्छे नंबर आपके मिलने वाले हैं। पहले के जितने भी पेपर हैं मॉडल पेपर वो भी आप देख लेना, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला प्रश्न आपके ये कि भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो सरकारी दस्तावेज भी होते हैं, इससे भी पता चलता है भारतीय इतिहास के बारे में, यात्रियों के संस्मरण के कारण भी पता चलता है, और अखबारों की रिपोर्ट होती है उससे भी पता चलता है। इसका मतलब 1, 2 और 3 उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन द जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट आंसर है। जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष किनके बीच में हुआ था? तो जोधपुर में उत्तराधिकार जो संघर्ष हुआ था वो राम सिंह के बीच में और भक्त सिंह के बीच में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपके राम सिंह और भक्त सिंह। तीसरा प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व का क्या तात्पर्य? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो जनघनत्व हैं वो 200 हैं। टोटल जनघनत्व कितना है? 200 है। यानी कि एक किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में जो राजस्थान में लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में वो कितने रहते हैं? टोटल 200 रहते हैं। ये औसत जो राजस्थान का जनघनत्व है वो वाला जनघनत्व है। सबसे अधिक जनघनत्व जैसलमेर का है, इसमें जयपुर का है, और सबसे कम अपने जैसलमेर का है। जैसलमेर का क्षेत्रफल अधिक है और वहाँ पे लोग कम रहते हैं, इसलिए सबसे कम जो जनघनत्व अपने जैसलमेर ज़िले का है। वहाँ जैसलमेर का जो जनघनत्व वो कितना है? तो 17 है। जबकि सबसे जो ज़्यादा जनघनत्व है वो जयपुर ज़िले का है। और एक वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो 200 लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान का जनघनत्व कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आपने जो टेस्ट दे दिया होगा ऐप पर, अगर आपने ऐप के ऊपर टेस्ट नहीं दिया हो तो आप ज़रूर जो ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट देना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके SST के सामाजिक विज्ञान के टेस्ट के रूप में दे रखे, तो उनको आप ज़रूर देना। अगला प्रश्न है चौथा कि राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल में आता है? तो ये आता है अपने जयपुर रेलवे मंडल के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जयपुर रेलवे मंडल। फिर आपके पांचवा क्वेश्चन है लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है? तो सरकार कानून बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपके सरकार कानून बनाती है। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं? तो ये तो प्रश्न आपने जो टेस्ट दिया उसमें भी आया था आपके, कितने हैं आपके इसमें? 17 हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, जिसमें आपको मिलान कर लेना है। ये सतत विकास वाला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। कितने लक्ष्य निर्धारित है? तो 17 लक्ष्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको मिलान करना है। 4 प्रश्न दे रखे हैं, इनको मिलान करेंगे तो 4 नंबर आपके मिलेंगे। पहला है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। चोरा चोरी कांड ये 1922 में उत्तर प्रदेश की घटना है, चोरा चोरी नामक स्थान पर जो ये हुआ था 1922 में। वर्ली विद्रोह ये महाराष्ट्र से संबंधित है, वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र से। ये अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध कौन थे? तो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे अपने महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो मानना है कि जो शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। जैसे कोई जो राजस्थान से है तो वो उसकी जो मातृभाषा है राजस्थानी, उसमें इसकी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा के अंतर्गत होनी चाहिए, ताकि उसको समझ में भी अच्छे प्रकार से आए, जो शिक्षक है वो भी अच्छे प्रकार से उसको समझा सके, और जो सीखने वाला जो छात्र हैं शिक्षार्थी हैं वो भी उसको अच्छे प्रकार से समझ सके। तो ये मातृभाषा के बेसिक शिक्षा के समर्थक थे ये महात्मा गांधी, और अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। फिर ईवी रामास्वामी नायर ये कौन थे? तो ये स्वाभिमान आंदोलन के संबंधित हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपके 5 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन में रिक्त स्थान आएंगे, इनको आप सही करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। पहला है कि संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सम्मान सपनों के अनुसार रच सकता है। तो 2 चीज़ें इसमें बनी, एक तो आदर्शों बनना है इसमें, एक बनना है आपको नागरिक। नेक्स्ट है नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको मैंने पूछ रखा है यहाँ पे टेस्ट में कि नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो महापौर कहा जाता है। उसी प्रकार से आपको जो नगर परिषद होती हैं उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो उसको हम सभापति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सभापति कहा जाता है, और नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। ये तीनों चीज़ आपको याद कर लेनी है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहते हैं, और नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं, और नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष ही कहा जाता है।
फिर अगला प्रश्न आपकी ये है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल रूप बदल जाता है, और प्रौद्योगिकी जो है वो भी एक मानव निर्मित संसाधन है, प्रौद्योगिकी है ना, टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा को भारतीय भाषाओं को गहरे और तौर पर प्रभावित किया है। इसमें जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। संथाली भी एक प्रकार की भाषा है, जैसे अपनी भाषाएं राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से संथाली भी एक भाषा है। अगला प्रश्न है कि जन्म तथा मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, और एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। अब ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए अभ्यासाध्याय वाले 10 नंबर के। अब हम चलेंगे खंड स में, जिसमें आपके डेढ़ डेढ़ नंबर के दो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पहली इंग्लिश फैक्ट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री वाला। ये पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ लगी थी? तो ये लगी थी पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में लगी थी, हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सोग्राम संगमा का विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? तो सोग्राम जो संगमा है उनके द्वारा जो विद्रोह वो 1906 में किया गया था, और असम में ये विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके प्राच्यवाद के दो गौर आलोचकों के नाम लिखने हैं। प्राच्यवाद क्या होता है? प्राच्यवादी की पहले भी परिभाषा आई थी कि जो एशिया की भाषा संस्कृति के बारे में जो गहरा नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोगों को प्राच्यवादी कहते हैं। तो उनके आलोचक कौन कौन है? तो जेम्स मिल हैं और एक थॉमस मैकल हैं, ये दोनों प्राच्यवादी हैं, मतलब प्राच्यवादी के गौर आलोचक हैं, उनकी आलोचना करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि छींट किसे कहते हैं? जो कपड़े की छींट होती है आपने देखा होगा, अपन आज भी जो गांव में कहा जाता है कि ये कपड़े की छींट, तो वही छींट है। भारत में रंगीन जो फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे छापे के कपड़े होते हैं, इनकी छींट कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है छींट के बारे में। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो जो लोग ईसाई धर्म को अपना चुके थे, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था? पर 1850 में एक कानून बनाया था, और उस कानून के अनुसार ये होता था कि वो जितने भी लोग ईसाई धर्म को अपना चुके थे वो अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार रखते थे। नेक्स्ट है, वोड की खेती की जाने वाली कुछ क्षेत्रों के नाम बताएं। तो वोड की खेती ये उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में होती हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोह और अलोह खनिज के बारे में आपको अंतर बताना है। लोह खनिज और अलोह खनिज के बारे में अंतर बताना है। तो लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर, सबसे पहले लिखेंगे लोह खनिज और इधर लिखेंगे हम अलोह खनिज, फिर बीच में लाइन खींच के दोनों में अंतर बताना है। जब भी किसी भी चीज़ में आपको अंतर पूछे तो इस प्रकार से आपको तुलना करके अंतर बताना है। पहला है कि लोह खनिज में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है लोह है, तो इसमें खनिज में लोहे की मात्रा होती है, जैसे लोह अयस्क। तो अलोह खनिज में क्या होगा? उसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी, जैसे सोना और चांदी अलोह खनिज है। आपसे पूछेंगे कि इसका कलर के बारे में पूछेंगे, तो लोह खनिज का जो कलर है वो लगभग भूरे रंग का होता है, और ये अलग अलग रंग के होते हैं। बाकी अलोह खनिज जो होते हैं इनका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, और लोह खनिज का जो उपयोग है वो इस्पात उद्योग में किया जाता है, जबकि अलोह खनिज का जो उपयोग है वो अलग अलग जो उद्योगों में होता है, अलग अलग कार्यों में होता है। इस इस्पात उद्योग को आधुनिक जितने भी उद्योग हैं उनका मेरुदंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है निर्वाह कृषि और आपको गहन कृषि में अंतर बताना है। निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर, तो जब भी आपसे अंतर पूछेंगे वापस आप इसी प्रकार की टेबल बनाएंगे, इसमें आप अंतर अलग अलग प्रकार से लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे निर्वाह कृषि, एक तरफ लिखेंगे गहन कृषि। इसमें आपको निर्वाह कृषि के बारे में वर्णन करना है, इसमें आपको गहन कृषि के बारे में वर्णन करना है, दोनों की तुलना करते हुए आपको बताना है। पहला आप अंतर इसमें ये लिख सकते हैं कि निर्वाह कृषि के अंतर्गत खेतों पर परिवार के लोगों द्वारा जीवन निर्वाह हेतु फसलों का उत्पादन किया जाता है। निर्वाह का मतलब लोगों जो अपने जो खेत पर होते हैं उन पर अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा जो जीवन निर्वाह हेतु खेती की जाती है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। जबकि गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि में किसान छोटे खेतों पर अधिक श्रम और संसाधनों की सहायता से कई फसलों का उत्पादन करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। दूसरा है कि गहन कृषि में अधिकांश कार्य हाथों से ही किया जाता है, गहन कृषि में अधिकांश जो कार्य, निर्वाह कृषि में अधिकांश कार्य हाथों से किया जाता है, जबकि गहन कृषि में अधिकांश कार्य जो मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाह कार्य जो कृषि उसमें हाथों से काम करते हैं, गहन कृषि में कार्य मशीनों से होता है। तीसरा अंतर यह है कि
निर्वाह कृषि में पूंजी की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि सभी काम हाथों से ही होते हैं, घर के परिवार के सदस्य ही करते हैं, जबकि गहन कृषि में जो पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि इसमें मशीनों से सारा कार्य होता है, तो सारा काम मशीनों से होगा तो फिर पूंजी की आवश्यकता भी अधिक पड़ेगी। निर्वाह कृषि ये निम्न औद्योगिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, यानी कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग हम नहीं करते, जबकि गहन कृषि में उच्च जितनी भी टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी है इसको आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके गहन कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर है। अगला प्रश्न है आपके 13वां क्वेश्चन है, आकार के आधार पर उद्योगों का आपको वर्गीकरण करना है। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर जब हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे तो उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम लिखेंगे इसमें लघु आकार के उद्योग, एक लिखेंगे हम वृहद आकार के उद्योग। लघु आकार में छोटे उद्योग काम में आते हैं, वृहद आकार में बड़े बड़े जो भारी उद्योग होते हैं वो काम में आते हैं। जैसे लघु आकार में हम जो भी उद्योग होंगे वो उद्योगों को कम पूंजी तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और उत्पादन की मात्रा भी जो कम होती है इसमें, जैसे रेशम की बुनाई है, खादी प्रक्रमण उद्योग हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनाने वाले उद्योग हैं, ये लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। वृहद आकार के उद्योग के अंतर्गत क्या होता है, इसमें पूंजी भी अधिक लगती है और उच्च स्तरीय इसमें टेक्नोलॉजी भी काम में आती है, भारी मात्रा में इसमें उत्पादन किया जाता है। जैसे इस्पात उद्योग हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग हैं, ये सभी आपके भारी उद्योग वृहद उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में चलने वाले स्वास्थ्य संबंधित दो योजनाओं के आपको नाम लिखने हैं, और दूसरा प्रश्न आपके ये बनेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस रूप में सहायता दी जा रही है। तो पहले हम ये देखेंगे कि राजस्थान में चलने वाली जो स्वास्थ्य संबंधी योजना है उनका नाम लिखना। तो राजस्थान में स्वास्थ्य संबंधित जो योजना चल रही है, तो आशा सहयोगिनी योजना है, दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जाँच योजना, ये भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उन सभी में जो दवाएं हैं वो फ्री दी जाती हैं, उनकी जांच है मरीजों की वो फ्री की जाती है, तो ये मुख्यमंत्री जांच और दवा निःशुल्क वितरण योजना और आशा सहयोगिनी है, ये भी आपके स्वास्थ्य संबंधित हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये था कि राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों के विकास के लिए कौन सी सहायता दी जा रही है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक तो बिक्री कर में छूट दी जा रही है, इसके अलावा बिक्री केंद्रों की स्थापना की जा रही है, उद्यम जो कार्यशील पूंजी है तो ब्याज अनुदान दी जा रही है, और यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। प्रमुख जो सहायता है वो आपको इसमें लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की चित्रकला की किन्हीं तीन शैलियों के आपको नाम लिखने हैं, ना अलग अलग चित्र शैलियाँ उसमें तीन शैलियों के नाम लिखने हैं। तो एक तो लिखेंगे आप मारवाड़ शैली, जिसमें आप जोधपुर शैली भी लिख सकते हैं, मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली भी लिख सकते हैं, और फिर आप लिखेंगे किशनगढ़ शैली। इसके अलावा भी कई सारी जो चित्र शैलियाँ राजस्थान में देखने को मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि बनी ठेनी के बारे में, तो बनी ठेनी क्या है, तो बनी ठेनी एक किशनगढ़ जो चित्र शैली है उसी का एक चित्र है ये, जिसका चित्र का जो चित्रकार था वो मोरध्वज निहाल चंद था, और वहाँ के जो शासक हुए राजा हुए नागरी दास सावंत सिंह के जो कार्यकाल में शासनकाल में इसका जो निर्माण किया गया था, ये चित्रकार है जो चित्र बनाया गया था। बनी ठेनी को जो भारत की मोनालिसा कहा जाता है, एरिक डिक्सन और फियाज अली के द्वारा इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसका 15वें का, राजस्थान के मैदानी भाग में जनघनत्व अधिक क्यों है। मैंने आपको बताया कि जनघनत्व क्या होता है, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या जो होती है वो जनघनत्व कहलाते हैं। जैसे राजस्थान का जनघनत्व कितना है, 200 है प्रति वर्ग किलोमीटर में, राजस्थान में 200 लोग निवास करते हैं। अब वो एवरेज बता रखा है 200, वो जैसलमेर का भी 200 ही मान रखा है और जयपुर का भी 200 ही मान रखा है, जबकि आपको बताएं कि जैसलमेर का जो जनघनत्व है राजस्थान में सबसे कम है, केवल 17 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में, केवल जैसलमेर में 17 लोग रहते हैं। वहीं इस जो अपने जयपुर की बात करें तो वहाँ पे 595 से लगभग में आता है। तो ये दोनों का एवरेज करके पूरे राजस्थान का जो जनघनत्व है वो 200 आता है, यानी कि राजस्थान में एक वर्ग किलोमीटर में 200 लोग निवास करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैदानी भाग में जनघनत्व अधिक क्यों है, जबकि मरुस्थल में जो जनघनत्व है बिल्कुल कम है। मरुस्थल यानी कि जैसलमेर में 17 है, और मैदानी भाग का मतलब जयपुर, दौसा, अजमेर, ये भरतपुर, इनमें जो आपके 500 के लगभग यहाँ का जनघनत्व पाया जाता है। तो इसका कारण लिखना है कि मैदानी भाग में जनघनत्व ज़्यादा है। अब लोग ज़्यादा जयपुर में और यहाँ पर निवास क्यों करते हैं, एक तो वहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ होती हैं, जो भी अपनी मूलभूत सुविधाएँ होती हैं वो वहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा भौगोलिक वातावरण, जैसलमेर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पर पीने के पानी की भी समस्या रहती है, और भी वहाँ पर मौसम भी जो सही नहीं रहता, इनकी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसके कारण भी जो कई सारे कारण हैं और भी जिसके कारण जो जनघनत्व मैदानी भाग में ज़्यादा रहता है। हम देख लेते हैं इसको आपको किस प्रकार से लिखना है।
देखो राजस्थान के मैदानी भाग में क्षेत्र में जनगणना अधिक होने के निम्न कारण है। पहला कारण लिखेंगे कि कृषि के अनुकूल मैदानी परिस्थितियों का होना। वहाँ पर जो ये मैदानी भाग है वहाँ पर खेती अच्छे प्रकार से होती है, लोग है जो वहाँ पर इसी प्रकार से खेती कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। एक तो ये कारण है समतल मैदान और पानी की उपलब्धता होने के कारण। दूसरा है कि देश के राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समीपता है, दिल्ली की जो देश की जो राजधानी दिल्ली उसके भी समीप आता है। इसके अलावा उद्योग वाणिज्य परिवहन की आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त वहाँ पर उपलब्धता होने के कारण भी वहाँ की जो जनगणना है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस कारण है जो लोग वहाँ पर ज़्यादा निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यह है 16वां, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के दो उदाहरण देना है। एक ही धर्म के भीतर दो अलग अलग दृष्टिकोणों का आपको उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के उदाहरण में, एक तो हम ये लिख सकते हैं कि जैसे हिंदुओं में अनेक लोग जाति प्रथा आदि का विरोध करते हैं और तो ऐसे भी लोग हैं जो इसको सही ठहराते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिमों में प्रगतिशील लोग महिलाओं की शिक्षा स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के पक्षधर हैं, जबकि जो पुराने जो रूढ़िवादी लोग हैं वो इनका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ उदाहरण हैं जो अलग अलग जो दृष्टिकोण से संबंधित हैं एक ही धर्म के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके ये न्यायपालिका के कार्य का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। न्यायपालिका जो होती है उसका कार्य क्या होता है उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। न्यायपालिका का मतलब होता है न्यायालय। जैसे अपने राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, जोधपुर में। हाई कोर्ट राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में आता है और बाकी उसके जो अलग अलग जो शाखाएं हैं हर जिले में जो कोर्ट बने हुए। तो न्यायपालिका का कार्य क्या है, एक तो विवादों का निपटारा करना, ठीक है, और दूसरा है न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करना, ये इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां आपके ये, सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में क्या निर्णय दिया, और जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार ही क्यों होनी चाहिए। इन दोनों का उत्तर एक ही प्रश्न के अंतर्गत आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य जो 1991 में हुआ था उस मुकदमे में क्या निर्णय दिया था। तो उस मुकदमे में जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया था वो था कि अनुच्छेद 21 में जीवन के मौलिक अधिकार में प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का जो अधिकार सभी को प्राप्त है। इसके अलावा जन सुविधाएं मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है सरकार ही होनी चाहिए। इसका कारण क्या है, क्योंकि सरकार ही इन्हें सस्ती और समतापूर्वक ढंग से लोगों को मुहैया करा सकती है। नेक्स्ट है फिर अलोकप्रिय कानून से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, और फिर आपको बताना है कि राज्यसभा के प्रमुख कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं अलोकप्रिय कानून से क्या तात्पर्य है। अलोकप्रिय कानून का मतलब ये होता है कि कई बार संसद द्वारा पारित कानून लोगों को रास नहीं आता, लोगों को वो पसंद नहीं आता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने जो कृषि कानून के बारे में देखा होगा, किसान है जो उसका विरोध कर रहे थे दिल्ली में, वहाँ पे जो सड़कों पर किसान बैठे थे, फिर सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े थे। वो जो उदाहरण है वो अलोकप्रिय कानून के उदाहरण है। तो कई बार क्या होता है, संसद द्वारा पारित कानून लोगों को रास नहीं आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नीयत साफ नहीं थी, इसलिए लोग उनकी आलोचना कर उनके विरोध कर अपनी जो असहमति व्यक्त करते हैं। और बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि गलत कानून पारित हो गए हैं, तो ऐसा कानून है जो अलोकप्रिय कानून कहलाता है। वो कानून जिसका जो काफ़ी लोग अधिक मात्रा में जो लोग उसका विरोध करते हैं, तो जो जो कानून होता है फिर उसको हम अलोकप्रिय कानून के रूप में कह सकते हैं। दूसरा है कि राज्यसभा के कानून, ये आपको कार्य बताने, तो राज्यसभा किसी भी कानून को बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय संसद के अंग कितने, तो जब भी आपको संसद के अंग के बारे में पूछे कि भारतीय संसद के कितने अंग, तो आप तीन अंग बताएंगे। वो तीन अंग कौन कौन से, एक तो बताएंगे आप राष्ट्रपति, एक बताएंगे आप राज्यसभा और दूसरा बताएंगे आप लोकसभा। तो सदन पूछे तो दो बताना है और अंग पूछे तो तीन बताना है। इस लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इस लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लोग जाते हैं, जो सांसद जाते हैं, संसद का जो सदस्य होता है उसको सांसद कहते हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। तो संसद में जो लोकसभा होती है उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो लगभग ये 545 होते हैं, और उसमें कई सारे अधिकतर जो सदस्य हैं वो जनता चुन के उनको भेजती हैं। जैसे राजस्थान में 25 सांसद हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के कितने, तो 10 हैं। तो ये जो 10 राज्यसभा के सदस्य हैं इनको जनता चुन के नहीं भेजती हैं,
जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता चुन के भेजती है। जैसे हम विधायक का चुनाव MLA का होता है, उसी प्रकार से इस लोकसभा सदस्य का भी चुनाव होता है। लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला है, और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति कहा जाता है। और वर्तमान इसके जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में राजस्थान से ही है, जगदीप धनखड़ ये अपने राजस्थान से हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, अभी देश के उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। तो ये संसद के तीन अंग हैं और दो सदन होते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा के पहला काम तो ये हो गया आपको कि कोई भी जो कानून बनाकर जो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। इसी प्रकार से किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा में भी मंजूरी मिले। इसकी प्रोसेस अलग अलग होती है, वो राज्यसभा में भी पास होगा, लोकसभा में भी पास होगा, फिर राष्ट्रपति इसको हस्ताक्षर करेंगे, तीन प्रकार प्रक्रिया से वो गुजरेगा, तब जाके जो वो कानून बनता है। तीसरा है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती हैं, अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करती हैं। तो ये वही प्रकार है कि तीनों का जो पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके कि एक मानचित्र आएगा, आपके नक्शा आएगा, जैसे मान लो आपके राजस्थान का नक्शा दे दें, तो आपको राजस्थान में एक तो इसके जितने भी ये राज्य देश, ये एक तो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। इस साइड में आता है पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान का नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इधर के जो राज्य हैं वो पूछ सकते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका पंजाब, इस साइड में पंजाब आता है, यहाँ पर आता है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, और यहाँ पर आता है UP उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर नीचे आता है MP मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आता है फिर गुजरात, ये नीचे आता है वो गुजरात आता है। तो ये पांच राज्य हैं और एक देश के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। सबसे बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये नागौर का है, और ये वाला भाग बीकानेर है, और ये जो इधर वाले साइड में जो छोटे छोटे राज्य ये बने हुए जिले, इसमें आपका भरतपुर है, अलवर है, करौली है, धौलपुर है। सबसे छोटा जो ज़िला है वो आपके धौलपुर है, और ये वाला जो ज़िला है वो धौलपुर है। सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो धौलपुर में ही होता है। जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो जिलों का आकार बढ़ेगा, पश्चिम की ओर आपके रेगिस्तान होने के कारण जो जिलों का आकार बड़ा है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण भी कम है, जनघनत्व वहाँ पर कम है। तो अभी ऊपर प्रश्न आया था कि ये जो मैदानी क्षेत्र, ये वाला जो भाग है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये अरावली की इस वाली साइड में ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, और इसमें जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम है, लोग यहाँ पे कम निवास करते, ज़मीन ज़्यादा है, जबकि यहाँ का जो जनघनत्व वो ज़्यादा है मैदानी भाग का। एक आपके उदयपुर के बारे में पूछे तो ये रहा आपके उदयपुर, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में उदयपुर है। सबसे नीचे जो आपके बांसवाड़ा है, और एक नीचे एक लाइन होकर गुजरती है जिसका नाम है कर्करेखा। कर्करेखा है अपने राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, एक डूंगरपुर से होकर गुजरती है, ये उदयपुर और बांसवाड़ा के बीच में है डूंगरपुर, और ये सबसे नीचे अपने बांसवाड़ा। और इस प्रकार से आपको ये पूरा देख लेना, ये यहाँ पे जो हिस्सा है ये प्रतापगढ़ है, राज्य राजस्थान का सबसे नया जिला 2008 में बना था ये वाला है। अभी जो घोषणा हुई थी वो घोषणा हुई थी, उसके बाद में जो टोटल ज़िले बनेंगे तो अब राजस्थान में टोटल 50 जिले हो जाएंगे। अब तक राजस्थान में 33 जिले, 33वां जो जिला था वो प्रतापगढ़ जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तो ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, तो आपको उसको अच्छे प्रकार से देखना है। इसमें आपको एक तो 1857 की क्रांति के कारण, उसके परिणाम और उसकी असफलता के कारण, ठीक है, वो तीनों चीज़ें आपको बतानी है। तो ये आपको याद कर लेना है क्रांति का कारण क्या था। पहला कारण तो ये है कि कंपनी द्वारा राज्य की आंतरिक शासन पर जो हस्तक्षेप करना, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आश्वासन के बावजूद जो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे थे, जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार करना, मांगरौल के युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, और मेवाड़ प्रशासन पर बार बार जो हस्तक्षेप करना, ये प्रमुख जो कारण थे जिनके कारण जो 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण ये भी हैं। दूसरा ये कि राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा जो आर्थिक शोषण की नीति को लागू कर दी थी। इसके अतिरिक्त क्या होता था कि राज्यों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर भी, और सैनिक छावनी को स्थापना करने के नाम पर भी जो उनसे खर्चा वसूला जाता था। तीसरा है कि सामंतों की मनोदशा। 1818 में संध्या हो गई थी, जैसे अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भरतपुर ने संधि की थी सबसे पहले, तो वो वाली स्थिति है। 1818 में संध्या होने के पश्चात में जो शासकों ने सामंतों की जो
आत्मनिर्भरता है उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया था। तो सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी जो मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे कि जो भी वो उसका हो रहा है उसका पूरा जो कारण वो अंग्रेज हैं। तो अव्वा के ठाकुर हो गए कोठारिया सुलुम्बर, इनके जो ठिकाने वो प्रत्यक्ष इनके उदाहरण थे। अव्वा के ठाकुर का नाम आपको याद कर लेना है, अव्वा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, इनका नाम आपको विशेष तौर पर याद कर लेना है। इन्होंने अव्वा के किले पर एक वो जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोसन, उसकी गर्दन काट के इस अव्वा के किले के ऊपर लटका दी थी। वहाँ पे चेलावास का और बिठोड़ा का युद्ध भी हुआ था 7 सितंबर 1857 को और 8 सितंबर 1857 को और 18 सितंबर 1857 को। तो ये जो है दोनों युद्ध आपके बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध अव्वा के किलेदार जो थे मतलब ठिकानेदार थे कुशाल सिंह, उनसे संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न आपके ये बनता है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे। बार बार पूछा जाता है, इसको 4-5 पॉइंट में याद कर लेना कि जो 1857 की क्रांति वो असफल क्यों हुई। पहला कारण तो आप ये लिखेंगे कि जितने भी राजा महाराजा थे अधिकांश उन सभी ने जो अंग्रेजों का सहयोग किया था, क्रांतिकारियों का उन्होंने सहयोग नहीं किया था, इस कारण जो 1857 की क्रांति असफल हुई थी। दूसरा कारण आप ये लिखेंगे कि क्रांति जो निर्धारित समय था उससे पहले ही शुरू हो गई थी और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर शुरू हुई थी। तीसरा है कि क्रांति कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई थी, जो स्थान पहले निर्धारित थे वहाँ सब जगह पर क्रांति एक साथ नहीं हुई थी, कुछ निर्धारित सीमित स्थानों पर ही हुई थी। कोटा नसीराबाद भरतपुर धौलपुर टोंक आदि विद्रोह जो अलग अलग समय पर शुरू हुआ था, सबसे पहले राजस्थान में जो 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद आपके अजमेर में आता है और आपको पता होगा जो अजमेर नसीराबाद से संबंधित है यहाँ का जो कचौरा फेमस है, नसीराबाद का कचौरा फेमस है, जैसे कोटा की कचौरी इस प्रकार से नसीराबाद का कचौरा फेमस है। तो यहाँ पर जो ये नसीराबाद में जो क्रांति शुरू हुई थी वो 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। ये आपको इसे डेट याद कर लेनी है, नसीराबाद की जो शुरुआत है वो 28 मई 1857 को नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आपके पांचवा क्वेश्चन ये कि क्रांतिकारियों के मध्य कुशल संगठित नेतृत्व का अभाव था, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा क्रांतिकारियों के पास में जो तालमेल का अभाव था सभी के साथ में, जो कोई उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी, उनके पास साधनों का भी अभाव था। अगला कारण हम ये लिख सकते हैं कि मारवाड़ के हो गए, मेवाड़ के और जयपुर के, ये जो तीन बड़ी बड़ी रियासतें थी इनके शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। आपके प्रश्न अवसर में भी बन सकता है कि तात्या टोपे का सहयोग किस रियासत ने नहीं किया था, ऑप्शन में दे देंगे मारवाड़ मेवाड़ और जयपुर, चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, तो फिर आपको करना है उपरोक्त सभी। तो ये जो तीन बड़ी रियासतें थी, मारवाड़ हो गई क्षेत्रफल में बड़ी थी, ये सबसे प्राचीन रियासत थी, मेवाड़ ये जयपुर, ये तीनों रियासत ऐसी थी जिन्होंने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था, इसके कारण भी जो क्रांति असफल हुई थी। तो ये आपको जो कुछ प्रमुख नाम हैं वो अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन फिर आपके कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस को क्या क्या निर्देश दिए हैं, या तो ये कर सकते हैं आप क्वेश्चन, या फिर आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून के अनुसार क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो ये हम इसमें देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। तो संविधान के अनुच्छेद 22 में है ना, और फौजदारी कानून के प्रत्येक जो गिरफ्तार व्यक्ति है जिसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसके कुछ अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों के बारे में आपको बताना है। तो पहला अधिकार तो ये है कि गिरफ्तारी के समय यह जानने का उसको अधिकार है कि जिस भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको ये जानने का अधिकार है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसका कारण क्या है, तो वो कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश होने का भी अधिकार है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसको 24 घंटे में पुलिस के सामने जो मजिस्ट्रेट होते हैं जज होते हैं उसके सामने उसको पेश होने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा प्रश्न है कि अधिकार के दौरान हिरासत में किसी तरह का जो उसके साथ दुर्व्यवहार याचना से बचने का भी उसको अधिकार है, कि जब केवल उसको गिरफ्तार किए करने के बाद में उसको एक तो यातना देने से और एक उसके साथ दुर्व्यवहार से बचने का उसको अधिकार प्राप्त है। चौथा जो अधिकार है वो ये है कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उस समय जो बयान दिए गए थे उसको सबूत के तौर पर जो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको उसका आरोपी नहीं बनाया जा सकता। ये चार इसके प्रमुख जो अधिकार है वो आपको याद कर लेने हैं। फिर क्वेश्चन है आपके ये कि भूमि क्यों महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है,
और निम्न भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो भूमि जो होती है वो एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका उत्पादन, अधिकांश उत्पादन और आर्थिक क्रियाएं भूमि से ही होती हैं, और भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि कार्य, वानिकी, खनन, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योगों का स्थापना करना, ये सभी आपके भूमि पर ही संभव है। तो मनुष्य की जो अधिकांश आवश्यकता है वो भूमि के द्वारा ही पूरी होती है, तथा भूमि लोगों के जीवन तथा आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसके भूमि निम्नीकरण के दो प्रमुख कारण कौन कौन से, तो एक तो आप लिखेंगे इसमें कि कृषि संबंधी गतिविधियों को, और दूसरा आपके निर्माण संबंधी गतिविधि, इन दो कारण से भूमि जो निम्नीकरण हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन आपके ये कि भारत के अधिकांश भागों में असहयोग आंदोलन किस तरह से जो किस तरह के रूप में ग्रहण किए गए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते हैं, और दूसरा है कि बंगाल विभाजन पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है, एक लेख लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन ने किस तरह के जो तरह के रूप में जो ग्रहण किया था, और लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते हैं। तो लोगों ने गांधी जी के आह्वान का सबसे अपने हिसाब से अर्थ निकाला, अतः देश के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन अलग अलग रूप में ग्रहण किया गया। जैसे गुजरात में जो खेड़ा है, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की ऊंची भूराजस्व की मांग के विरुद्ध अहिंसक मुहिम चला दी थी। दूसरे स्थान की बात करें तो जो तटीय आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इसके भीतरी भागों पर शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई थी। फिर तीसरा हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, उसमें आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे जो वन सत्याग्रह किए थे, ये भी एक अलग प्रकार का सत्याग्रह था। और सिंध और बंगाल के खिलाफत असहयोग गठबंधन राष्ट्रीय आंदोलन में जो सांप्रदायिक एकता है और मजबूती के साथ में जो शुरू किया गया था। पंजाब में सिखों ने, अकाली आंदोलन ने अपने गुरुद्वारों में अंग्रेजों की सहायता से जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था। असम में जो थे वो चाय के बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह को इजाफे करने की जो मांग कर ली थी। लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा और एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। किसानों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमींदारों के खिलाफ संघर्ष करने में मदद करेंगे। खेतीर मजदूर को यकीन था कि वे उन्हें जमीन दिला देंगे। तो इस प्रकार से जो लोगों के मन में गांधी जी के प्रति भावनाएं थी। एक आपके ये आया बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन से दो प्रश्न प्रमुख रूप से बनते हैं। एक तो बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आपको डेट याद कर लेनी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ये हम लिखेंगे सबसे पहले कि 1905 में तत्कालीन जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, और इन्होंने जो बंगाल का विभाजन कर दिया था। उस समय ब्रिटिश बंगाल में जो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, जो बंगाल था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत होता था। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा, इसके जो कुछ भाग उस समय बंगाल का हिस्सा थे। बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य था वो क्या था इसमें, तो बंगाल विभाजन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो प्रशासकीय सुविधा था। बड़ा क्षेत्र होने के कारण उसको अलग अलग भागों में बांट दिया था, परंतु प्रशासकीय व्यवस्था से केवल अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों को ही इसमें फायदा होना था। इसके पीछे जो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जो जनता थी उसको बांटना था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एक तो छोटे प्रश्नों में कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट फिर हम देखिए प्रतिरोध क्या हुआ था। तो बंगाल के विभाजन से देश भर में जो गुस्से की लहर फैल गई थी, मध्यमवर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी। इसके अलावा जो आमूल परिवर्तनवादी कौन कौन थे, लाल बाल और पाल, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। लाल बाल और पाल, आप बताना देखिए लाल बाल और पाल का पूरा नाम क्या है। ये आमूल परिवर्तनवादी के प्रमुख नेता थे, एक तो थे लाल, एक थे आपके बाल, लाल बाल और पाल, ये तीन नेता थे। इनका नाम आपको पूरा कमेंट करके बताना, जिन्होंने पिछला वीडियो अच्छी तरह से देखा है उनको पता है कि ये लाल बाल पाल किनके पूरे नाम है। तो एक तो ये करना है आपको। इसके अलावा कांग्रेस के सभी बड़े दलों ने इसका विरोध करने किया था। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया था, जुलूस निकाले गए थे इस समय, और प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढ निकाले थे। इसके अलावा अंग्रेजी कपड़े, शक्कर तथा अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। जगह जगह जो विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई थी, और अपने ही देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए जन जागरण किया गया था। इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर है वो सॉल्व होता है। इसमें एक मॉडल पेपर के रूप में इसको देखा हमने, जो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आने वाले पेपर में काफ़ी आपको सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड करना है और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।
जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपको ऐप में जाके फ्री टेस्ट में आपने 20 प्रश्नों का जो टेस्ट डाल रखा है वो दे देना, और जिन्होंने दिया है वो कमेंट करके बताना कि आपको टेस्ट कैसा लगा, आपका स्कोर कितना रहा है। तो मिलेंगे आपको जल्दी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐप को डाउनलोड कर लेना।